दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये आज ये गाड़ी आई है, इस गाड़ी का हॉर्न नहीं बज रहा, ये माइक्रा सीवीटी गाड़ी है, देखो ठीक है। सीवीटी गाड़ी में इस तरह का होता है, पार्किंग, रियर न्यूट्रल और ड्राइव एंड लोड, ठीक है। तो ये देखो क्लच पैडल भी नहीं है इसमें, ठीक है, सीधा ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल है। ये ही क्लच का काम करता है, जब इसको छोड़ देते हैं तो गाड़ी चलने लगती है, इसको दबाएंगे तो ब्रेक का काम करता है ये पैडल। तो इस गाड़ी में मेन प्रॉब्लम है हॉर्न की, ये देखो हॉर्न बजा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आज इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, हॉर्न नहीं बज रहा है, देखते हैं इसको क्या है, फ्यूज़ ख़राब है या रिले ख़राब है या हॉर्न ही ख़राब है, वो चीज़ चेक करते हैं। तो दोस्तों हम इंजन डिपार्टमेंट में आ गए हैं, यहाँ पर इसका हॉर्न लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अभी इस कनेक्टर को हम निकालेंगे, निकाल के इसमें चेक करेंगे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। वो मैं बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है, इसके लिए आपको मल्टीमीटर चाहिए, ठीक है, मल्टीमीटर की सहायता से करते हैं। तो मैंने ना इसके दोनों एक कनेक्टर निकाल लिए हैं, ठीक है। ये तो है सप्लाई का, इससे मेन सप्लाई आती है और ये अर्थिंग का है, ठीक है। जिस थिम्बल में भी, मतलब जिस हॉर्न में भी दो थिम्बल हो ना, ये देखिए इसमें दो है ना, तो उसी में ही ग्राउंड भी होता है और सप्लाई के लिए भी होता है। तो एक ग्राउंड के लिए है ये वाली पिन और ये दूसरा सप्लाई के लिए है, ठीक है। अभी मैं इस पर मल्टीमीटर लगाऊंगा। मल्टीमीटर आपको कहाँ रखना है, ये देखिए 20 पे वोल्ट है ना, 20 इस पर रखना है, और ये पिन कहाँ कहाँ लगानी है वो भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर लड़का हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ना ये आपको 20 पे रखना है, दोबारा बता रहा हूँ। और ये देखिए रेड वाला जो है इसका, ये आपको सप्लाई पे रखना है सप्लाई वाले में, और ये अर्थिंग वाला अर्थिंग में, ठीक है। और हॉर्न वो बजा रहा है, देखिए कोई भी रीडिंग चेंज नहीं हो रही है। तो इससे कंफर्म ये हो गया कि इस कनेक्टर पे कोई सप्लाई नहीं आ रही है। तो इस सप्लाई कैसे आएगी, पहले हमें चेक करना पड़ेगा फ्यूज़ और रिले। फ्यूज़ और रिले की लोकेशन कहाँ होती है वो भी मैं दिखाता हूँ, और पहले फ्यूज़ या रिले दोनों चीज़ें चेक करेंगे। पहले करेंगे फ्यूज़, ज़्यादातर कंडीशन में फ्यूज़ ही ख़राब होता है गाड़ी का, ठीक है। तो फ्यूज़ होता है इस IPDM के अंदर, इसको खोलेंगे हम, खोलने के बाद चेक करेंगे हॉर्न। तो क्योंकि नई गाड़ी है यार, मुझे नहीं लग रहा इसका हॉर्न ख़राब होगा। अभी मैं पहले फ्यूज़ चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये IPDM कवर है, इसके अंदर फ्यूज़ वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं इसको दिखाता हूँ ये खुलता कैसे है। पहले एक लोक तो देखिए ये रहा इधर, एक लोक यहाँ पर है और एक लोक यहाँ पर है, इनको कैसे निकालना है मैं दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखना, इसको ऐसे अंदर की तरफ पुश करेंगे, उसको वैसे दबा के पहले इस तरफ से ऊपर ले लेना है ये, ठीक है। फिर ऐसे ही इसको ऊपर दबा के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ वायरिंग ही वायरिंग है, ठीक है। ये होता है IPDM, एक लास्ट वीडियो मैंने बताया था स्टार्टिंग प्रॉब्लम वाली गाड़ी में, आप वो भी माइग्रा थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर किसी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो, ठीक है, की बैरल वाली हो, स्टीयरिंग लॉक सेट वाली हो, तो उस वीडियो को आप देख लेना, आपके बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है वो आपके लिए। तो अभी हम इस IPDM को निकालेंगे। इसके लिए दोस्तों एक लोक यहाँ पर है, ये एक लोक यहाँ पर है, इन दोनों लोक्स को ऐसे बाहर की तरफ पुल करना है, बाहर की तरफ, ठीक है। ये बाहर की तरफ हाथ से पुल करने हैं, करते ही बाहर आ जाएगा IPDM। तो एक मैंने इधर से कर लिया, बाबू निकाल ज़रा, बहुत आसान है, ये देखिए बाहर हो गया ये, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूँ ज़रा, इसमें देखो यहाँ पर ये पूरा IPDM है, इसमें देखिए फ्यूज़ वगैरह है और यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, कौन सा किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप चाहोगे तो बना दूंगा वीडियो, बट इसमें सब चीज़ लिखी हुई है, बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर फिर भी बोलोगे तो मैं आपके लिए बना दूंगा। अब ये सामने है, देखिए 10 एम्पियर का एक फ्यूज़ ये है, एक फ्यूज़ ये है, ठीक है, और ये होती है हॉर्न की रिले। तो यार नई गाड़ी है, मुझे डाउट है कि या तो फ्यूज़ उड़ गया होगा, क्योंकि यहाँ देखिए अजीब सी कंडीशन है इस फ्यूज़ की। इसको पहले फ्यूज़ को ही निकालूंगा मैं, ठीक है, फ्यूज़ निकाल लेते हैं पहले। फ्यूज़ निकालने के लिए दोस्तों आपको ऐसा एक प्लास ले लेना है और सीधा इसको पुल करना है बाहर पकड़ के। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये फ्यूज़ इसका है नहीं, ठीक है, और दूसरा ये उड़ा हुआ भी है दोस्तों, ये फ्यूज़ ख़राब है, ठीक है। तो अभी पहले हम इस फ्यूज़ को चेंज करेंगे, चेंज करके एक बार हॉर्न बजा के देखेंगे, ठीक है ना, पहले यहाँ से कंफर्म होंगे, ठीक है। अभी फ्यूज़ को चेंज करता हूँ मैं, दूसरा फ्यूज़ नया लगाता हूँ, फिर सप्लाई चेक करूँगा उस पर मैं।
दोस्तों नया फ्यूज़ मैंने ले लिया है, परचेज़ कर लिया है स्टोर से, ठीक है। अभी इसको मैं लगा देता हूँ, 10 एम्पियर का ये फ्यूज़ है, हाथ से ही लगा देंगे इसको, प्लास से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े ध्यान से इसको लगाना है, ठीक है ना। ये देखिए फिट बैठ गया, ये ओरिजिनल फ्यूज़ था इसका, देखिए दोनों सेम फ्यूज़ हो गए हैं, ठीक है। अभी मैं सप्लाई चेक कर लेता हूँ कनेक्टर पे पहले। तो दोस्तों फ्यूज़ तो हमने चेक कर लिया, हॉर्न की रिले को कैसे कन्फर्म करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ इस वीडियो में, बड़ा ध्यान से सुनना आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे हॉर्न को दबाते रहना है, हॉर्न पैड को, और बाहर जो रिले है वहाँ मैं सुनाता हूँ आवाज़, तो ये सुनो, ये इस रिले के अंदर से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब रिले ओके है, अपना काम कर रही है, ठीक है। अब हम कंफर्म हो गए हैं, फ्यूज़ ही ख़राब था, रिले भी ख़राब, रिले सही है, अब हॉर्न ठीक हो जाएगा, सप्लाई मैं गारंटी देता हूँ आ गई होगी, सप्लाई चेक करते हैं आप। तो अभी क्या करना है, मैंने फ्यूज़ को लगा दिया है, रिले मैंने चेक करवा दी, अब दोबारा हॉर्न बजाएंगे, बजाकर चेक करेंगे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये देखो दोस्तों सप्लाई आ रही है, इसका मतलब फ्यूज़ ही ख़राब था गाड़ी का, ठीक है। तो अभी हम इसको कनेक्टर को लगाते हैं, लगा के हॉर्न एक बार बजा के प्रॉपर चेक करते हैं। तो अभी हम कंफर्म हो गए हैं, वहाँ सप्लाई आ चुकी है उस कनेक्टर पे, ठीक है। अभी हम इसको पैक कर देते हैं, सेम वही प्रोसेस है जैसे खोला था वैसे इसको पैक करना है, ठीक है। तो ये पैक, अब हम हॉर्न बजा के चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हॉर्न बजाने से पहले मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से हमने इसको खोला था, मतलब जिसमें ये चीज़ ध्यान रखना यार, जिसमें अर्थिंग है, जिसमें अर्थिंग का कनेक्टर लग रहा था खोलते टाइम, आप ध्यान रखना जिसमें अर्थिंग का कनेक्टर लग रहा था वो उसी कनेक्टर में वापस लगेगा, ठीक है। अभी हॉर्न बजा के देखते हैं हम, ज़रा बजाओ, ज़रा हॉर्न बजा, बस ठीक है। तो दोस्तों हो गया, ये हॉर्न बज गया, इसका फ्यूज़ ख़राब था। तो आप भी इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, चाहे किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, फ्यूज़ और रिले, इस सर्किट के अंदर तीन ही चीज़ होती, चार चीज़ होती हैं, फ्यूज़, रिले, हॉर्न, ठीक है, और चौथा वायरिंग तो सभी गाड़ियों में है। ये चार चीज़ अगर आप चेक कर लोगे इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, आपकी गाड़ी का हॉर्न बच जाएगा। अगर हॉर्न ठीक, फ्यूज़ ठीक होता तो रिले ख़राब होती, रिले भी मैंने चेक करनी सिखा दी कैसे होती है, आवाज़ आ रही है उसमें, ठीक है। तो इसका हॉर्न बच गया दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी और अच्छी सी वीडियो में जो आपके फ़ायदे की होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।